सोने मुखड़े नु तेरे वेखे तो लम्हे बीते धीमे धीमे हो चंदा तेनु वेख आंखे मीजे तारे तेरे पीछे 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 तू आवसावे मेरे पल काजे। सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं अप्रॉक्स एक महीने बाद जब से मैं मेरा लास्ट ब्लॉग आपने देखा करारी लेक का, जब से मैं आया हूँ तब तो से मैं साइकिलिंग नहीं निकला हूँ क्योंकि मैं ट्रैकिंग वगैरह वहाँ पे घूम के हो गया। तो वापस मैं एक महीने बाद साइकिलिंग पे निकला हूँ और आज मैं जा रहा हूँ गुम्बा लाइक मोनेस्ट्री जा रहा हूँ एक जो मेरे यहाँ से लाइक अप्रॉक्स 20-25 किलोमीटर दूर होगा। और मैं अभी आगे जाके मतलब यहाँ पे माटीगाड़ा है वहाँ पर जाके भैया आएंगे उनको वेट करूँगा मैं, फिर उसके बाद मर्ज करके मैं आपको आगे मिलूँगा। तो आज का ब्लॉग थोड़ा शॉर्ट होने वाला है सो आप एंजॉय कीजिए। फाइनली हमें मिल चुके हमारे और भैया फुल चाहिए आपको भैया अपना आउटफिट दिखा रहे हैं हमें। अरे अमीर लोग क्या कर सकते हैं देख रहे हो, मैं अमीर दिखाओ दो चलते। सो गाइस आपको मिलता हूँ आगे। सो गाइस हम पहुंच चुके सालू गाड़ा और अभी यहाँ सिर्फ लाइक अप्रॉक्स मुझे लगता है जहाँ तक 10 किलोमीटर दूर है। सो आपको दिखाते हैं आगे कैसा है। अब तो धूप भी पड़ रही है गर्मी पड़ रही है और हमारे भैया का वाइब चेक कीजिए आप, तो ये अलग ही धुन में। सो गाइस हम पहुँचे हैं बंगाल सफारी और आपको तोरी वरी जाने के लिए आपको लाइक यहाँ बंगाल सफारी के आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको रूट दिखाता हूँ। बंगाल सफारी से सिर्फ आपको सीधे आते रहना है, ज़्यादा ना इधर ना उधर कुछ नहीं, बस अंदर घुसे आप लोग एंट्री किया आपको व्यू देखो पीछे क्या मस्त आ रहा है तो पता चल जाएगा। सीधे आना है आपको और बस यहाँ से आपको 2 किलोमीटर और आप पहुँच गए इजीली। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गुम्बा के बस आसपास। आपको दिल दुखने वाली चीज़ देखना वो रहे पूरे सनफ्लावर के लाइक आगे दिखाते हैं आपको। सनफ्लावर का पूरा बगीचा है जो सूख चुका है और अभी हम वहीं पर जाए थोड़ा बस फोटो दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे कैसे सूख गया है, अफसोस की बात है बट कोई नहीं। अब गुम्बा के पास पहुँच चुके हैं, अब ये लोकेशन पता चला गया, जब हरा भरा होगा तो वापस आएंगे। तो गाइस ये रहा पूरा सनफ्लावर का बगीचा सब सूख चुका है। एक सनफ्लावर यहाँ पे मैं सनफ्लावर फिर से कैसा हो रहा एक बार फिर से प्लीज प्लीज भाई ये मेरे लिए इतने प्यार से मर्द तो मुझे पता है ये कट कर दूंगा मैं। सो गाइस अब हम जा रहे गुम्बा की तरफ, आप लोग पीछे देख सकते हो सनफ्लावर का बगीचा सूख चुका है। हमारे भैया का ये आपको क्यूट वाला पोज में डालूंगा, हाईलाइट करके डालूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। भैया एक कैटवॉक तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मोनेस्ट्री के बाहर ही खड़े हैं हम। तो लाइक ऐसा है कि अभी ना भाई क्या कर रहे हो, चलो। सो गाइस अब हम जा रहे हैं खोला नहाने क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए और यहाँ का मोनेस्ट्री बंद है। तो अब पता नहीं कितने बजे खुलेगा, 10 बजे तरफ और हम लोग पहले आके यहाँ पे हैं। तो हमें अब हम जा रहे हैं खोला नहाने, खोला जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, फिर आपको वापस आएंगे। अगर हम लोग का किस्मत अच्छा हुआ तो हम आपको वापस दिखाएंगे मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री के बाद। गाइस हमारे भैया अभी सिंगल है, लड़का डीएम करे। सिंगल नहीं हूँ मैं। अच्छा जो लड़का सिंगल है भैया को डीएम करे। सुन मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा होती है, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा होती है, जो इसमें फंस जाए वो सबसे बड़ी गधा होती है। अरे भैया आपने लगता जेंडर चेंज कर दिया उसे। तो भैया हमारे सुनील तामंग आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, आसाई लड़कियाँ डीएम करें भैया को। भैया बहुत पैसे वाला है भैया, आईफोन 15 दिखाओ तो अपना दिखाओ 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 देखा भैया, जो बंदा आईफोन 15 खरीद सकता है वो आप लोग के लिए क्या कुछ नहीं खरीद सकता है। अभी तो भैया सनफ्लावर खरीदने की बात कर रहे थे, अब जो लड़की को आप पसंद करो सनफ्लावर देंगे। भाई साहब हम 10 बजे तक वेट करेंगे गुम्बा खोलने का क्योंकि हम कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए हैं
कोई बोल रहा सुबह जल्दी निकलेंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे, बट इनको खुद नहीं पता था भैया को हमारे कब खुलता है। हाँ एक और टेंशन हो गया है, हम लोग हाफ पैंट में आए हैं सो हमें नहीं लगता हमें अंदर घुसने मिलेगा, हम बाहर से मुंह देख के चले जाने वाले हैं। और हमें लगा था खोला भी अच्छा होगा, बट आप खोला देख सकते हो कुछ नहीं है, इसमें गंदे गंदे पानी है, इसमें गंदे गंदे पानी है। बोला था लड़कियों आईफोन 15 वाले बंदे देख रहे हो। तो गाइस हम पहुंच चुके मोनेस्ट्री, आपको यहाँ पर दिखाएंगे व्यू। ये है हमारे भैया हमारे साथ जिन्होंने अपने पैसे घुमा दिए 200 रुपये यहाँ पे डाला था भूल गया। अमीर लोग इनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, वापस घुमा लेंगे ना, अब पैसा ढूंढने जाएंगे गाइस हम। तो गाइस हमारे प्लान में चेंजेस आ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं गुलमा जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हमने बस थोड़ा सा ही घूम पाए। सो हमने सोचा हमारे पास बहुत टाइम बाकी है सुबह के 6 बजे, तो हम मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस हम पहुँच गए गुलमा स्टेशन, हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है, जा रहे हम लोग आसम ट्रेन पकड़ेंगे। हाँ पता नहीं बोगे गाँव क्या सीखा है, मैंने एक नया जगह सीख लिया है। तो गाइस जब हम स्टेशन में बैठे हैं हमें लगा कि हम कोई अच्छी जगह जाएंगे, हमें बोलो बंदों ने भी बोला कि हाँ अच्छा है गुलमा स्टेशन जाओ बहुत अच्छी जगह है। और हम लोग कहाँ पे आए हैं, गुलमा स्टेशन ना पीछे, यहाँ पे सिर्फ डेटिंग मारते लोग, ऊपर कपल्स घूम रहे हैं, उनको दिखाता हूँ मैं, कुछ नहीं है खाली वीरान जगह, ऐसा लगता है साला सालों से ट्रेन भी नहीं आई है। सो गाइस हमारा राइड इतना ही था, अब हम यहाँ से शॉर्टकट लेके सालबाड़ी के रास्ते निकलेंगे, भैया को उनके घर ड्रॉप करेंगे और फिर हम अपना निकल लेंगे। अभी थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, पानी निकलेंगे हम, और आप हमारे हालत देख सकते हैं पाँव का क्या हो गया, लुक एट दिस, सॉक्स का तो अलग ही बैंड बच गया और पाँव देख रहे हो तो, और एक तो काला था बचपन से और काला कर दिया इन लोगों ने। बट मैं तो आपको सुंदर चेहरा दिखा रहा हूँ, देखिएगा इस पानी से देखते हैं। सो गाइस हमारे पास ना क्या बोलते हैं कि गोप्रो वगैरह नहीं, हम तो गरीब हैं, अब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे पैसे मिलते तब हम खरीदेंगे, तो हम उसके लिए होगा एक जुगाड़ लगा रहे हैं। ये है ना मेरा जीप है, तो हम लोग अपने अंदर ये डाल के और ऐसे यहाँ पे फ़ोन माउंट करेंगे, और ये फ़ोन माउंट नहीं होगा, हो जाएगा, और ये हो गया फोन मोड, और ये बन गया हमारा चलता फिरता गोप्रो, हम कैमरा ऑन करेंगे और इसे रिकॉर्डिंग करेंगे, आपको भी दिखाते हैं हम क्लिप कैसा दिखेगा। इधर देखो दिख रहा है, ऐसे करके चलो दिख रहा है, आप दिख रहे हो दिल से लिखे ये खत उनको सुनाना, ऐसे घुल जाते हो माही इन फूलों में जन्नतों के बाग कहाँ ढूंढूं मैं, सोने हैं लिबास सोने तेरे अंदाज है, ऐसे हो नजारे के तुम्हें कैसे बोलूं, हम जाते जा रहे हो मुझे छोड़ के जाना अपना घर, अरे चल मेरा घर। तो गाइस होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, आज के व्लॉग में इतना ही था, ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो था क्योंकि मैं बहुत दिन से निकला नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए। सो अब मैं आपको मिलता हूँ आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए स्टे सेफ राइड सेफ और मिलते हैं आगे। भैया तो अपने घर चले गए, भैया का घर वहाँ से आधा घंटा है, अब मुझे यहाँ से 1 घंटा लगेगा जाने में, तो आपको मिलते हैं हम आगे, और स्टे ट्यून फॉर न्यू ब्लॉग।
से थे आए